أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के सामने अपनी नबूवत और मौजज़ात का ऐलान करते हुए एक तकरीर फरमाई थी, जिसका तज़किरा कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह आले इमरान में मिलता है। ये आयत मुबारका कुरान मजीद के पारा नंबर 3 और सूरह आले इमरान की आयत नंबर 49 है। بسم الله الرحمن الرحيم ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من التين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين। इस आयत मुबारका का तर्जमा कंजुल ईमान में है, और रसूल होगा बनी इसराइल की तरफ ये फरमाता हुआ कि तुम्हारे पास एक निशानी लाया हूँ तुम्हारे रब की तरफ से, क्या मैं तुम्हारे लिए मट्टी से परिंद की सी मूरत बनाता हूँ फिर इसमें फूंक मारता हूँ तो वो फौरन परिंद हो जाती है अल्लाह के हुक्म से, और मैं शिफा देता हूँ मादरजाद अंधे और सफेद दाग वाले को, और मैं मुर्दे जलाता हूँ अल्लाह के हुक्म से, और तुम्हें बताता हूँ जो तुम खाते और अपने घरों में जमा रखते हो, बेशक इन बातों में तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान रखते। इस तकरीर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने 4 मौजज़ात का ऐलान फरमाया। पहले नंबर पर मट्टी के परिंद बनाकर उनमें फूंक मारकर उनको उड़ा देना, दूसरे नंबर पर मादरजाद अंधे और कोड़ी को शिफा देना, तीसरे नंबर पर मुर्दों को जिंदा करना, और चौथे नंबर पर जो कुछ बनी इसराइल वाले खाया करते थे और जो कुछ अपने घरों में छुपाया करते थे छुपा कर रखा करते थे उसकी खबर दे देना। अल्लाह अकबर। मट्टी के परिंद बनाकर उड़ा देने का मौजज़ा कुछ इस तरह से, जिसकी तफसील ये है कि जब बनी इसराइल ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से ये मौजज़ा तलब किया कि मट्टी का परिंद बनाकर उड़ा दें, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मट्टी के चमगादड़ बनाकर उनको उड़ा दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने परिंदों में से चमगादड़ को इसलिए मुंतखब फरमाया कि परिंदों में सबसे बढ़कर मुकम्मल और अजीबोगरीब यही परिंदा है, क्योंकि इसके आदमी की तरह दांत भी होते हैं और ये आदमी की तरह हंसता भी है, और ये बगैर पर के अपने बाजुओं से उड़ता है, और ये परिंदा जानवरों की तरह बच्चा जनता है और इसको हैज भी आता है। रिवायत है कि जब तक बनी इसराइल
देखते रहते थे ये चमगादड़ उड़ते रहते थे और अगर उनकी नजरों से ओझल हो जाते तो गिरकर मर जाते। ऐसा इसलिए होता था ताकि अल्लाह सुबहानहु व तआला की पैदा के पैदा किए हुए परिंदे और अल्लाह के बंदे के पैदा किए हुए परिंदों में फर्क और इम्तियाज बाकी रहे। इसके बाद मादरजाद अंधों को शिफा देने के मुतल्लिक ये रिवायत है कि एक दिन में 50 अंधों और कोड़ियों को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से इस शर्त पर शिफा हासिल हुई कि वो ईमान लाएंगे। इसके बाद मुर्दों को जिंदा करने के बारे में रिवायत ये है कि आपने 4 मुर्दों को जिंदा फरमाया अल्लाह सुबहाना हुआ ताला के हुक्म से। पहले नंबर पर आजर अपने दोस्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के एक दोस्त थे जिनका नाम आजर था उनको। दूसरे नंबर पर एक बुढ़िया के लड़के। तीसरे नंबर पर एक उशर वसूल करने वाले की लड़की और चौथे नंबर पर हजरत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम। इनमें से पहले नंबर पर अपने दोस्त आजर को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ये दोस्त एक मुखलस दोस्त थे जिनका इंतकाल होने लगा तो उनकी बहन ने आपके पास एक कासिद भेजा कि आपका दोस्त मर रहा है। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने दोस्त से 3 दिन की दूरी की मुसाफिर पर थे। आजर के इंतकाल और दफन के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे और आजर की कब्र के पास तशरीफ ले गए और आजर को पुकारा तो वो अल्लाह सुबहानहु व तआला के हुक्म से जिंदा होकर अपनी कब्र से बाहर निकला और बरसों जिंदा रहे और इसके बाद साहबे औलाद भी हुई। इसके बाद बुढ़िया का बेटा मर गया था और लोग उसका जनाजा उठाकर उसको दफन करने के लिए लेकर जा रहे कि नागहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का उधर से गुजर हुआ तो वो आपकी दुआ से जिंदा होकर जनाजा से उठ बैठा। अल्लाह अकबर। और कपड़ा पहनकर अपने जनाजा की चारपाई उठाए हुए अपने घर वापस आया और मुद्दतों जिंदा रहा और उसकी भी औलाद हुई। इसके बाद आशर की बेटी एक चुंगी वसूल करने वाले की लड़की मर गई थी। उसकी मौत के एक दिन बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से वो जिंदा हो गई और बहुत दिनों तक जिंदा रही और उसके कई बच्चे भी हुए। यानी एक खास अरसा तक वो बाद में जिंदा रही और उसकी औलाद भी। हजरत साम बिन नू इससे पहले जो 3 मुर्दों को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जिंदा फरमाया अल्लाह ताला के हुक्म से तो बनी इसराइल के शरीरों ने कहा कि ये तीनों दर हकीकत मरे हुए ही नहीं थे बल्कि उन तीनों पर सत्ता तारी था इसलिए वो होश में आ गई। लिहाजा आप किसी पुराने मुर्दा को जिंदा करके हमें दिखाइए। तो आपने फरमाया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हजरत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम को वफात पाए हुए 4000 बरस का जमाना गुजर गया। तुम लोग मुझे उनकी कब्र पर ले चलो मैं उनको अल्लाह सुबहाना हुआ ताला के हुक्म से जिंदा कर देता हूँ। तो आपने उनकी कब्र के पास जाकर इसमें आजम पढ़ा तो फौरन ही हजरत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम कब्र से जिंदा होकर निकल आए और घबराए हुए पूछने लगे कि क्या कयामत कायम हो गई। फिर वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए। फिर थोड़ी देर के बाद हजरत साम बिन नूह का दोबारा इंतकाल हो गया। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो बनी इसराइल वाले खाया करते थे और अपने घरों में छुपाया करते थे उनकी खबरें दे देते थे। हदीस शरीफ में है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने मकतब में बनी इसराइल के बच्चों को उनके माँ बाप जो खाते और जो कुछ घरों में छुपा कर रखते वो सब बता दिया करते थे।
अल्लाह अकबर। जब वालदैन ने बच्चों से दरियाफ्त किया कि तुम्हें इन बातों की कैसे खबर होती है, तो बच्चों ने बता दिया कि हमको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मकतब में बता देते हैं। ये सुनकर माँ बाप ने बच्चों को मकतब जाने से रोक दिया और कहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जादूगर हैं। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बच्चों की तलाश में बस्ती के अंदर दाखिल हुए, तो बनी इसराइल ने अपने बच्चों को एक मकान के अंदर छुपा दिया कि बच्चे यहाँ नहीं हैं। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि घर में घर के अंदर कौन है, तो उन शरीरों ने कह दिया कि घर में सुअर बंद है। जब उन लोगों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से झूठ बोलकर कहा कि घर में सुअर बंद है, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा तो फिर सुअर ही होंगे। अल्लाह अकबर। चनाचे लोगों ने उसके बाद जब मकान का दरवाजा खोला तो मकान में से सुअर ही निकले। अल्लाह अकबर, अल्लाह। इस बात का बनी इसराइल में चर्चा हो गया और बनी इसराइल ने गैज़ो गज़ब में भर कर आपके कत्ल का मंसूबा बना लिया। ये देखकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा हजरत बीबी मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपको साथ लेकर मिस्र को हिजरत कर गई। इस तरह आप उन शरीरों के शर से महफूज रहे। वल्लाहु ताला आलम। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में हम तज़किरा करेंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।